जोधपुर की ना हूँ ना, जोधपुर की क्या, राजस्थान की कॉमेडियन कहूँगा मैं, प्रिया गुप्ता, वो भी मेरी बहन है, हमारे राजस्थान की बहन है, हमारे हिंदू बहन है, ठीक है। तो नंबर वन कि प्रिया गुप्ता के बारे में पहले तो जो कुछ लोग ये यूट्यूबों के माध्यम से कुछ असामाजिक तत्व, कुछ चरित्रहीन लोग, कुछ देशद्रोही कहूँगा मैं उनको, मेरी नज़रों में वो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, जो कुछ भी है, जो यूट्यूबों के माध्यम से अपनी हेडलाइंस बना बना कर एसएस टाइगर को धमकी ने, एसएस टाइगर ने दी धमकी ने, फलाना ढिमकान ये न वो न, अरे कुतरियों, प्रिया गुप्ता मामले में न तो एसएस टाइगर ने किसी को धमकी दी, न एसएस टाइगर को किसी ने धमकी दी। नंबर वन, प्रिया गुप्ता मामले में जिस किसी व्यक्ति ने माना कि प्रिया गुप्ता के कुछ वीडियो जो कॉमेडियन के वीडियो हैं, मैं खुद उसकी घोर निंदा करता हूँ, वो वीडियो सही नहीं है, मैंने विरोध भी किया है कई बार प्रिया गुप्ता के कॉमेडियन वीडियो का, परंतु किसी भी ऐसा, अगर कोई ऐसा वीडियो किसी और का वीडियो है वो, उसके बाद अगर उसका प्रिया गुप्ता के नाम देकर किसी भी हिंदू बहन को इस तरह से जलील करना, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। जिसने भी ये काम किया है, अभी भी मुझे पता भी चला है कि किसी ने उसको अरेस्ट भी कर लिया है, कुछ तो असामाजिक तत्व लोग, बुद्धिहीन लोग, मूर्ख महामुंड लोग, मूर्ख मूर्ख को भगवान गीता में महामुंड बोला है, मुंड बोले तो मूर्खों का मूर्ख, ठीक है ना, उन लोगों ने ये कहा कि इसमें तो एसएस टाइगर का हाथ है। क्यों भाई, प्रिया गुप्ता ने एसएस टाइगर का क्या बिगाड़ा, कैसे टाइगर ने प्रिया गुप्ता का क्या बिगाड़ा, जब उन्होंने गलती करी, जब उन्होंने कहीं भी ऐसे वीडियो में भले भगवे के नाम पर हो, किसी के नाम पर, कॉमेडी के नाम पर अगर ऐसा कोई वीडियो बनाया तो उसका मैंने विरोध किया, और विरोध करने के बाद में वो वीडियो डिलीट भी हो गया, ठीक है। तो उसकी ना उससे हमारी कोई दुश्मनी ना दोस्ती, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, नहीं कहूँ से दोस्ती और नहीं कहूँ से वैर है। तो क्यों कुछ लोग ये लोगों को भड़काने का काम करते हैं, और प्रशासन वालों को, मैं जोधपुर प्रशासन वालों को और वो राजपुरोहित साहब जो भी एक ऑफिसर है जिनका नाम है, कुछ नाम है राजपुरोहित साहब का मैं भूल गया हूँ, उन्होंने, उनकी टीम ने बहुत ही जल्दी ये कार्रवाई की है, वन के लोग 1000 लोग जुट चुके हैं, उन्होंने कार्रवाई की है। तो मैं जोधपुर प्रशासन को तहे दिल से सल्यूट करता हूँ मैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी दुनिया के सामने उन्होंने रख दिया कि प्रिया गुप्ता का वीडियो किसने वायरल किया था। मगर कुछ हरामियों ने, कुछ कुत्तों ने तो ये यहाँ तक लाई बाबा के भोंकना शुरू कर दिया था, और तो और पोस्ट बना बना कर बोले इसमें एसएस टाइगर का हाथ है, इसमें एसएस टाइगर का हाथ है, इसमें एसएस टाइगर का हाथ है, इसमें तो एसएस टाइगर का कोई हाथ नहीं है। ये पहली बात, वो वीडियो भी प्रिया गुप्ता का नहीं है, वो वीडियो प्रिया गुप्ता का नहीं है। उस बहन को अगर किसी ने, अगर हाँ, अगर वो कोई गलती करती है उसका विरोध करो, मैं तो खुद कह रहा हूँ गलती करती है तो खुलकर विरोध करो, गलती करते हो खुल को विरोध करो, मगर इस तरह से जलील करना किसी को, इतना प्रताड़ित करना, परेशान करना, ये मेरी नज़रों में गलत है किसी भी बहन, क्योंकि बहनों की रक्षा के लिए हम लोग दिन रात लड़ते हैं, ठीक है। जो लोग YouTube पर ये डाल रहे हैं कि उसने ऐसा बोल दिया और मेरा नाम ले लेके YouTube के ऊपर, मैं उन यूट्यूब के चैनल वालों से कहना चाहता हूँ, ये हरकतें बंद कर दें। हाँ, टाइगर का नाम लिखने से तुम्हारे व्यूज बढ़ तो रहे, मगर तुम्हारा व्यूज किस दिन घट जाएगा उसका पता नहीं चलेगा फिर। हाँ, इस बात का ज़रा ध्यान रखें, समझ रहे हो मेरी बात को, मेरा नाम का गलत इस्तेमाल मत करो। मैं बहुत शांति से देश की धर्म की रक्षा का कार्य कर रहा हूँ, मैं बहुत शांति और धर्म से देश की रक्षा का कार्य कर रहा हूँ, मुझे करने दें, बिना फालतू बीच में दखलंदाजी ना करें। मैंने कहीं भी, और हाँ दूसरी बात ये, अगर इस मामले में कहीं भी आपको लग रहा है कि टाइगर का रोल है, तो प्रशासन से जांच करवाओ भाई, एफआईआर दर्ज करवाओ, प्रमाण करवाओ ना। ये तो ठीक है, उसने प्रशासन ने उठा के जो भी है जिसको अरेस्ट कर लिया, वरना ये लोग साले मेरे नाम का इस्तेमाल करके मुझे बदनाम करने लग गए थे। हैं, पुलिस को दिल से सैल्यूट करता हूँ, बिल्कुल धन्यवाद है पुलिस, और उसमें विशेष तौर पे हमारे एक समाज का भाई जो राजपुरोहित भाई है, उसकी वो उनकी टीम थी, ठीक है ना, जो कुछ भी किया अच्छी बात है, परंतु
ये इस तरह का जलील वीडियो बनाकर कई पता नहीं कौन से वो, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता है, कहां से वीडियो डाउनलोड करके उसको किसी का नाम देकर किसी को बदनाम करना। मैं तो कह रहा हूं ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं ना हो। और मेरा प्रशासन से निवेदन है कि ये सोशल मीडिया पर जिस तरह की अफवाह फैलाने वाले उन भाड़ों को ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो कभी पेपर कटिंग भेजते हैं, कभी वीडियो भेजते हैं, कभी ऑडियो भेजते हैं, इस तरह हरकतें कर रहे हैं, उनका है ना, उनका अच्छे से इलाज होना चाहिए। कोई भी हो, अगर किसी को भी बदनाम करने वाले ये राक्षसों के वलादे जो हैं, उन लोगों का इलाज होना चाहिए, बराबर। और बाकी दूसरा निवेदन मेरा, 1100 लोग लाइव जुड़ चुके हैं, बाकी दूसरा निवेदन मेरा उन कलाकारों से है, उन एक्टरों से है कि आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक्टिंग करो, कॉमेडी करो, जो कुछ भी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने हमेशा कलाकारों का साथ दिया है, कई कलाकार जो है दिल से जुड़े हुए हैं मेरे, है ना, हमें आपसे क्या आपत्ति है। पर आपसे निवेदन है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म को गिराने जैसा कोई ऐसा वीडियो ना बनाए, कोई भी ऐसा वीडियो ना बनाए जिससे हमारा सनातन संस्कृति गिर रही हो, उसका गलत संदेश जा रहा हो, युवाओं में गलत संदेश जाए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे परिवार के साथ में बैठकर देखें, ऐसा वीडियो ना बनाए। एक तो वो है ना, उसका नाम लेकर क्या बोलूं मैं, उसको नाम वाम नहीं लेना चाहता मैं उसका, वो हरामी जो जोधपुर बैठा बैठा एक दिन लाइव आके भोंक रहा था, गौरक्षा कमांडो फोर्स जी, गौरक्षा कमांडो फोर्स, वो तो बड़वा तू भी शुद्ध जा, तेरे को बोल रहा हूं मैं, तेरी मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मगर कहीं ना कहीं तेरी गलतियां ऐसी हुई है जो आज भी प्रमाण पड़े कि डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए तूने लड़कियों को देकर टाइगर को फंसाने का तुम लोगों ने जो गंदा षड्यंत्र किया था, तुम्हारा फेल हो गया वो। ऐसे टाइगर है सामने, जरा दे सोच समझ के प्लान बनाओ, तुम्हारे ये गंदे चक्र में फंसने वाला मैं नहीं हूँ, समझ रहे ना। और गौरक्षा कमांडो फोर्स का नाम लेके तू क्या लोगों को दर्शाना चाहता है, तू है मेरी रोजी रोटी छीन ली, मेरे पेट पे ये हो गया, मेरे तो गंदा काम करता है क्यों तू, सनातन धर्म को मिटाने का एक गंदे वीडियो बनाते हैं क्यों तू, दूसरों का तो लोग विरोध नहीं करते, तेरा क्यों कर रहे लोग विरोध। बिल्कुल विक्सा राजपुरोहित, ऐसा गंदा काम करते हैं क्यों भाई लोग तेरा विरोध करें, हैं? कहीं कहीं तो तूने उनको मौका दिया है तभी विरोध करें, नहीं तो मेरे जैसे लोग क्यों विरोध करेंगे। अब तो गलत नहीं था तो वीडियो क्यों डिलीट किया, रखना था वीडियो पता चलता, क्यों माफी मांगी तूने पूर्व में। और ये कॉमेडी के नाम पर, ये मेरा कहने का मतलब देखो भाई, तू कॉमेडी कर, तू तेरा काम कर, चैनल चला, जो कुछ भी करना है वो कर, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं। परंतु ये कॉमेडी के माध्यम से गालियां देना और हर ऐसा ऐसा गंदा गंदा वीडियो बनाना, अभी वीडियो मैंने एक कल और देखा जिसमें तुम लोगों को ये संदेश दे रहे हो कि लड़कियों को शराब पीना चाहिए, ऐसे ऐसे वीडियो पड़े मेरे पास, हाथ में शराब लिया हुआ है और कहीं लेटर लेटर शराब पीने की एक्टिंग कर रहे हो। तो मेरा भाई कम से कम कल्चर को, तू भी मेरा ब्राह्मण भाई है, तेरे से मेरे को कोई वेर नहीं है, है ना, ये फालतू की टीका टिप्पणी करना बंद कर ले, मेरे टाइगर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइगर की ना तो कोई सत्ता गिरने वाली है, ना टाइगर की कोई पार्टी हारने वाली है, ना टाइगर कोई इलेक्शन हार जाएगा, हैं हैं पागलों की तरह हरकतें कर रहा है भाऊ, बहुत छोटा है बेटा, तू तेरा काम कर अच्छी बात है, परंतु तेरे से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तेरे से मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरा ये कहना है मेरे भाई कि बिल्कुल कॉमेडी कर, हम खुद सपोर्ट करेंगे, हम खुद मंचों पर, हमारे मंचों पर भी बुलाएंगे तुम्हें, परंतु मेरा ये कहना है कि अच्छा एक सनातन धर्म को एक अच्छा संदेश देने का वीडियो बना जिसमें देश की तरक्की हो, देश के युवाओं को अच्छा संदेश मिले, देश की माताएं बहनों को अच्छा संदेश मिले, ऐसे वीडियो बनाओ ताकि क्या एक अच्छा संदेश जाए समाज के अंदर, देश के अंदर, धर्म के अंदर, ठीक है ना। किसी का नाम लेकर, किसी के ऊपर टीका टिप्पणियाँ कर फेमस नहीं हो जाओगे, हाँ ये लाइव में इतने सारे लोग जुड़ गए, वो जुड़ गए, उससे कोई ये लाइव फेसबुक है, ये खाली फेसबुक और सोशल मीडिया तक ही सीमित है, धरातल पर अपने को कुछ अच्छा काम करना है। बाकी जो भी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से टाइगर के ऊपर टीका टिप्पणियाँ कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, मेरा उन लोगों से कई बार चैलेंज कर दिया है मैंने, एक बड़ी बात रखने वाला हूँ, उसके बाद आप जुड़ जाए, एक बार 1200 लोग जुड़ चुके हैं, मैं बड़ी और एक बड़ी बात रखूँगा आपके लिए, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बात रखने जा रहा हूँ, एक जरा
वो हिंदुओं के लिए गौरक्षा के विषय में और सनातन धर्म की रक्षार्थ बहुत बड़ी बात रखने जा रहा हूँ मैं।